पंजाब कांग्रेस में नई कलह का दौर, कैप्टन के बाद अब सिद्धू की फिर सीएम से ठनी। नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से कल हुई सुलह की बैठक में नहीं बनी बात। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में डमी सीएम बनने को तैयार नहीं चरणजीत सिंह चन्नी, आ जाएंगे दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच है तकरार। कल सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच हुई थी बैठक, लेकिन बैठक के बाद अलग अलग गाड़ियों में रवाना हुए थे सीएम चन्नी और सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान सिद्धू के लगातार असंतोष से खफा, सीएम चन्नी पर छोड़ा विवाद सुलझाने का मसला। कल सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच हुई थी करीब दो घंटे की मुलाकात, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नहीं बनी थी बात। सिद्धू और चन्नी की मुलाकात के बाद बनाई गई कमेटी 4 अक्टूबर से पहले सारे विवाद खत्म करने का है प्लान। कमेटी में सीएम सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव की को दी गई है जगह। जिन अफसरों को लेकर विवाद है उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर होगी चर्चा। सीएम और सिद्धू दोनों तैयार करेंगे अपनी अपनी रिपोर्ट, पार्टी आलाकमान लगाएगा अंतिम मुहर। इस्तीफे के बाद से पटियाला में डटे थे नवजोत सिद्धू, सीएम चन्नी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे चंडीगढ़, फिर पटियाला लौटे। खत्म हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह के दो दिन का दिल्ली का दौरा, चंडीगढ़ पहुंचकर सिद्धू को दी चुनौती। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू के रवैये पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाए सवाल, कहा सरकार चलाना चन्नी का काम, अध्यक्ष का काम है पार्टी चलाना। चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह ने अपने सियासी प्लान का किया खुलासा, कहा कांग्रेस से खुद को करूंगा अलग लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कैप्टन ने कांग्रेस से रिश्ते तोड़ने पर दिए पक्के संकेत, ट्विटर हैंडल से हटाया पार्टी का नाम। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द बना सकते हैं नई पार्टी, 12 से ज्यादा पंजाब कांग्रेस नेता उनके संपर्क में। कृषि कानून में देश में सरकार से किसानों की जंग जारी, इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने धान की खरीद को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार को दी धमकी। चढ़ूनी ने कहा 1 अक्टूबर को एमएसपी पर नहीं शुरू हुई धान की खरीद तो बीजेपी और जेजेपी विधायकों मंत्रियों के खिलाफ 2 अक्टूबर से उग्र प्रदर्शन। किसान नेता चढ़ूनी की धमकी, धान खरीदी का हल नहीं निकलने पर बीजेपी जेजेपी विधायकों का घर में होगा घेराव, घरों से पालतू जानवर तक को नहीं निकलने देंगे। जो तेरे एमएलए तेरे एमपी तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे घर में बंद करेंगे उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की कैप्टन अमरिंदर से दिखी सहानुभूति, कहा पंजाब में कैप्टन छोड़ गया कांग्रेस का जहाज, अब टाइटैनिक जैसा होगा हर्ष। कैप्टन जहाज को छोड़ के चला गया तो अब उस जहाज का क्या भविष्य होगा? जैसे टाइटैनिक का हश्र हुआ था वही अब कांग्रेस का हश्र होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने आईपीएस परमवीर सिंह का पर उद्धव सरकार से किया सवाल, देश छोड़कर जाने की खबरों के बीच पूछा परमवीर का पता। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद परमवीर पर दर्ज हुआ था केस, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया था लुकआउट नोटिस। सिंह को छुपाने का क्या वो वसूली करने वाले मंत्रियों के आकाओं ने प्रयास किया है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। जांच एजेंसियों को शक है, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह देश छोड़कर निकल चुके हैं विदेश। परमवीर सिंह के गायब होने को लेकर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार, गृहमंत्री दिलीप पाटिल का बयान, पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। G20 नेताओं की मांग के बाद झुकी कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला बोले जल्द होगी CWC की बैठक। चीन से सटी सीमा पर फिर तनाव बढ़ा रहा चीन, विदेश मंत्रालय का बयान। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास चीनी सैनिकों का बढ़ा जमावड़ा। प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण, अब शहरों को कचरा मुक्त बनाने का अभियान। अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे पीएम, जल सुरक्षा पर होगा विशेष ध्यान। दिल्ली में डटे छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने करीबी 12 विधायक, पार्टी हाईकमान से मुलाकात के लिए मांगा समय।
दिग्विजय सिंह ने अमित शाह और आरएसएस की तारीफ की, कहा नर्मदा यात्रा के दौरान किया सहयोग। फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला फला हूं और मुझे आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा पंजाब से जुड़े सुरक्षा के मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। कांग्रेस में जारी है घमासान, कपिल सिब्बल के समर्थन में आए राज बब्बर, पूछा क्या यही है घर के आगे विरोध। कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन के विरोध में उतरे G23 के नेता गुलाम नबी आजाद और मनीष तिवारी ने भी की निंदा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कपिल सिब्बल के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले अध्यक्ष पद को लेकर ठीक नहीं है सवाल उठाना। कपिल सिब्बल जी हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, और उसका इस प्रकार से बयान देना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश विधायक की विवादित टिप्पणी के खिलाफ अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा का विरोध प्रदर्शन, विधायक अब्रार अहमद का जलाया गया पुतला। सत्ताधर लोकतांत्रिक पार्टी की जन सेवा संकल्प यात्रा पहुंची उन्नाव, राजा भैया का हुआ जोरदार स्वागत। पंजाब हरियाणा में केंद्र ने टाली एमएसपी पर धान की खरीद, सीएम चन्नी और अकाली दल ने फैसले पर जताया एतराज। कांग्रेस में जारी कलह से वरिष्ठ नेता सिराज मेहंदी नाराज, राहुल और प्रियंका पर फोड़ा ठीकरा, सिद्धू को बताया जोकर। चंडीगढ़ में 20 गांवों के सरपंच समेत कई लोगों ने की सीएम खट्टर से मुलाकात, किसान आंदोलन के चलते बंद रास्ते को खोलने की मांग। बीएसपी के चार विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा, सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत से की मुलाकात, दल बदल कानून के तहत मिला है नोटिस। राजस्थान के सबसे बड़े परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 20 से ज्यादा अफसर और स्टाफ गिरफ्तार, कांग्रेस का नेता निकला मास्टरमाइंड। नीट परीक्षा में धांधली मामले में बीजेपी सांसद ने खोला मोर्चा, जयपुर में धरने पर बैठे सांसद किरोड़ीलाल मीना। आज पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुंबई में नवरात्रि को लेकर बीएमसी की नई गाइडलाइन, दुर्गा मूर्ति की ऊंचाई तय लेकिन गरबा की इजाजत नहीं। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक, तेजस्वी सूर्या करेंगे संबोधित। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत अलग अलग कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। तेज हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़, आज जारी हो सकती है पहली कट ऑफ लिस्ट। दिल्ली में आज से लागू हो जाएगी नई एक्साइज नीति, बंद हो जाएंगी शराब की करीब 260 दुकानें। लखनऊ और आगरा के लोगों के लिए अच्छी खबर, आज से इंडिगो की सीधी विमान सेवा शुरू। बहराइच में AIMIM की जनसभा, ओवैसी ने योगी सरकार पर किए ताबड़तोड़ वार। ओवैसी ने आज तक से बातचीत में सीएम योगी पर साधा निशाना, पूछा मुख्यमंत्री की जुबान से क्यों निकलता है अब्बा जान। यूपी में जारी है प्रियंका का चुनावी अभियान, पार्टी दफ्तर में निषाद समुदाय के लोगों से की मुलाकात। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, प्रवासी मजदूरों को किराया नहीं देने का आरोप। बिहार में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। शोपिया में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, मारे गए आतंकी अभी तक नहीं हो सके शिनाख्त। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की घेराबंदी, मुठभेड़ अभी भी जारी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के पेशे के मद्देनजर पुलिस को दिया आदेश, पुलिस सुरक्षा का रखे खास ख्याल। काला जठेड़ी को सता रहा फर्जी मुठभेड़ में हत्या का डर, कोर्ट से की थी फरियाद, पुलिस हथकड़ी लगाकर पेशी पर लाए और पहनाए बिना फीते वाले जूते। रोहिणी कोर्ट में हुई गैंगवॉर के बाद से खौफजदा है गैंगस्टर काला जठेड़ी, उर्फ संदीप सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद हुई थी गिरफ्तारी, सभी फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में जठेड़ी। केदारनाथ पहुंचे भक्तों में दर्शन का दिखा उत्साह, मंदिर परिसर में गूंज रहा जयकारा। 18 सितंबर को दर्शन की छूट मिलने के बाद अब तक 9,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन, एक दिन में जारी हो रहे सिर्फ 800 ई पास का विरोध जारी। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा, 7 लोगों की गई जान। भिंड में बस और डंपर की भीषण टक्कर में 13 लोग घायल भी हुए, कुछ लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा में 9वीं कक्षा की छात्रा पर
कॉलेज में अभद्र टिप्पणी का गरमाया मुद्दा, प्रिंसिपल पर आरोपी छात्रों का साथ देने का आरोप, परिजनों ने किया इनकार। नए चीफ मार्शल वीआर चौधरी आज वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वायुसेना को हर मुश्किल से निपटने में बताया सक्षम। गोरखपुर में हुई ये वायुसैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की गोरखपुर में हुई कारोबारी की हत्या मामले में एक्शन में है योगी सरकार, आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए बनाई गई है कमेटी। मनीष गुप्ता की हत्या के विरोध में यूपी के कई शहरों में कारोबारियों का प्रदर्शन, प्रशासन ने सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला ने यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, गोरखपुर घटना का किया जिक्र। सहारनपुर में पुलिस पर लगा महिला से बदसुलूकी का आरोप, कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिला के परिजनों के साथ की गाली गलौज। अमरावती में शानू नदी में डूबी कार, ऑपरेशन में कार में सवार व्यक्ति का शव भी बरामद। नोएडा में सवारी बनकर ऑटो लूटने वाले गिरोह और पुलिस में मुठभेड़, दो बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद। भीलवाड़ा में दो मासूमों के साथ मां ने कुएं में लगाई छलांग, की खुदकुशी, कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद। 24 परगना में टीचर की डांट के बाद छात्र ने की खुदकुशी, घर में फांसी लगाकर दी जान। खरगोन में रिश्वत लेते दो बड़े सरकारी अधिकारी गिरफ्तार, लोकायुक्त ने 15,000 और 500 की घूस लेते पकड़ा। मुंबई के सेनापति बापत मार्ग पर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, यूटर्न लेते वक्त कार की बाइक से टक्कर, सीसीटीवी में कैद घटना। आगरा के कैफे में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, स्टाफ और गेस्ट के बीच जमकर चले लाठी डंडे, जांच के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली कामयाबी, व्यापारी को बंधक बनाकर अंडे से भरे ट्रक को लूटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद। बूंदी में खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से मासूम को कुचला, मौके पर हुई मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। सोनीपत में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर की खुदकुशी, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सूरत की सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, 8वीं मंजिल से गिरने से 2 साल के मासूम की मौत। गोरखपुर में मुफ्त शराब नहीं पिलाने पर वेटर की पीट पीट कर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात, जांच में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा में अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, पिस्टल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आज से खुल जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व, सैलानियों को कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। कोलकाता में बीजेपी नेता कल्याण चौबे की गाड़ी पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। आगरा में डेंगू का बढ़ रहा केस, 171 मामलों की पुष्टि। कन्यादान वाले विज्ञापन पर मुश्किल में आलिया भट्ट, मुंबई के सैंटाक्रूज थाने में दर्ज हुआ मामला। रजौरी में कोरोना नेगेटिव निकले पॉजिटिव पाए गए निजी स्कूल के 32 बच्चे, डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने किया डॉक्टर को निलंबित। वाशिम में होटल में काम करने वाले युवक का वीडियो वायरल, आंखों पर पट्टी बांधकर चाकू से सिर्फ 6 सेकंड में काटता है प्याज। बर्दवान के सिकटिया बराज में पानी छोड़े जाने से अजय नदी में बाढ़, कई गांव हुए जलमग्न। हावड़ा में डीवीसी ने फिर छोड़ा 2 लाख क्यूसेक पानी, उदय नारायणपुर में बाढ़ का खतरा। हुगली में द्वारकाश्वर नदी में ऊपर बना बांध टूटा, 2 लाख लोग हुए प्रभावित, राहत और बचाव में जुटी प्रशासन की टीम। बोकारो में तूफान गुलाब का असर, 2 दिन से जारी बारिश से सड़क पर गिरे पेड़, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। हिमालय के लाहौल स्पीति में पूरा हुआ आईटीबीपी का रेस्क्यू मिशन, कुल 15 लोगों की बची जान।